मैं डॉक्टर इनिस आज आप लोगों को पाइल्स के बारे में दोस्तों बताए हैं। तो पाइल्स का प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है आज के डेट में, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग आराम तलवी हैं, ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, ज़्यादा दारू पीते हैं, जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज एकदम नहीं करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, उन लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलता है। और पाइल्स का प्रॉब्लम कभी कभी जो लोग सही काम करते हैं उन लोगों को भी देखने को मिलता है, उन लोगों को जेनेटिकल प्रॉब्लम भी आता है। तो पाइल्स कहते किसको ये भी जान जाए। तो पाइल्स में होता है कि मल द्वार के पास एक मटर जैसे मस जाते हैं, वो अंदर भी होता है बाहर भी होता है, उसमें दर्द भी होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो जब मस से फट जाते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है, तो इसको हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स का हिंदी में बवासीर नाम हो गया। तो होम्योपैथिक में 5 मेडिसिन जो है बहुत ही बेटर काम करती है पाइल्स के रोग में। तो फर्स्ट मेडिसिन का नाम हम लेंगे, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, नक्स वन मेडिसिन है दोस्तों। इसे 30 पाउंड जो है 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद शाम। जिन लोगों को बस पाइल्स का प्रॉब्लम उसमें दर्द हल्का सा उसमें लगता है, हल्का कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है, वो लोग बस नक्स वन मेडिसिन कॉमन मेडिसिन है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम, 30 पाउंड ले लें। उसके बाद एक और मेडिसिन आ जाती है दोस्तों, एलोज मेडिसिन। तो एलोज मेडिसिन उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, वाइली फूड खाते हैं, दारू का सेवन ज़्यादा करते हैं, कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को रहता है, तो दोस्तों एलोज मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद एक और मेडिसिन आ गया दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है एस्क्यूलस। तो एस्क्यूलस मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा बेटर काम करती है उन लोगों को जिनको दर्द जो है बहुत ज़्यादा हो लेकिन ब्लीडिंग ना हो, तो उसमें एस्क्यूलस मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद दोस्तों और मेडिसिन आती है हेमामेलिस क्यू। तो हेमामेलिस क्यू उन लोगों के लिए दोस्तों दवा है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, 15 बूंद सुबह ताज़े पानी के साथ में, 15 बूंद शाम में। और उसके बाद एक और मेडिसिन आती है दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है डोलिकस क्यू। तो डोलिकस क्यू भी जो है मेडिसिन वो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उन लोगों के लिए ही है। दो दवा हेमामेलिस क्यू और हेमामेलिस क्यू और डोलिकस क्यू जो मेडिसिन है जिन लोगों को ब्लीडिंग होता है बहुत ज़्यादा, वो लोग 15 बूंद आधा कप ताज़े पानी में सुबह और शाम में लेते हैं। और जब भी यूज करें या तो हेमामेलिस यूज करें या नहीं तो डोलिकस यूज करें। और भी मेडिसिन आती है बहुत सारे दोस्तों, आर्सेनिक हो गया, जब जलन बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है तो आर्सेनिक होता है, वो देखने के बाद जाता है। ऐसे हम कौन मेडिसिन लोग बताए, एसिड नाइट्रिक है, ये भी मेडिसिन पाइल्स की जो है, सल्फर है, तो बहुत सारे मेडिसिन है। जो हम 5 मेडिसिन आप लोगों को बताएं जो कौन मेडिसिन है, और किसी भी मेडिसिन का अगर आप यूज करते हैं तो बस एक मेडिसिन और सिम्टम देख करके आप उस मेडिसिन का यूज करें तो पाइल्स के केस में आप लाभ पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से चीज़ और कहें, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो फर्स्टली तो उस कॉन्स्टिपेशन को दूर करें और वहाँ एक दर्द हल्का सा हो तो ऐसा सिम्टम देख के उस मेडिसिन को लो लें, वहाँ अगर ब्लीडिंग हो तो ऐसा सिम्टम देख के उस ब्लीडिंग में जो दवा चलती है होम्योपैथिक मेडिसिन उसको लें। तो कहने का मतलब है होम्योपैथिक में पाइल्स का बहुत ही बेटर मेडिसिन है और तुरंत प्रॉब्लम ख़त्म कर देती है। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मस्से होते हैं, गुच्छे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन लोगों को थोड़ी टाइम लगती है लेकिन ब्लीडिंग वाले जो पाइल्स है वो तो तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना।